नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव की। समझेंगे कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, उनके यूज़ से क्या फ़र्क पड़ता है सेंटेंस में, और फिर उससे जुड़ी कुछ एक्टिविटीज़ जो दे रखी हैं उन्हें भी अपन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव में सबसे पहले ये बता दूँ कि ये होते क्या है। किसी भी, जैसे नाउन होता है, नाउन यानी किसी भी चीज़ का नाम। अब वो कुछ भी हो, मतलब पेंसिल बोलो, पेन बोलो, कोई जगह का गंगा बोलो, नदी का नाम, मतलब ये सब नाउन है। सो अगर अपन उसकी कुछ स्पेशलिटी बताते हैं, जैसे लड़का है, अब वो लड़का छोटा है तो अपन उसको शॉर्ट बॉय बोलेंगे, तो उसने अपन ने उसकी कुछ विशेषता बता दी, तो उसी को बोलते हैं अपन एडजेक्टिव। मतलब नाउन की जो एक स्पेशलिटी बताते हैं उन्हें बोलते हैं अपन एडजेक्टिव। तो यहाँ जो अपन सेंटेंस पढ़ेंगे इससे आपको समझ आएगा कि कौन से एडजेक्टिव होते हैं। देखो, हरी इज टॉल, मतलब हरी लंबा लड़का है, ठीक है। द वुमेन इज यंग, जो औरत है वो जवान है। द स्टिक इज लॉन्ग, यह जो संटी है या जो भी लकड़ी संटी है वो लंबी है। द पेंसिल इज शॉर्ट, यह जो पेंसिल है छोटी है। आइस इज कॉल्ड, बर्फ ठंडी है। ही इज रिच मैन, वह अमीर आदमी। अब देखो, इसे ऐसे भी ख़त्म किया जा सकता था कि वह आदमी है, ही इज़ अ मैन, तो अब उन्होंने उसको स्पेशल करा कि वो रिच है, अमीर आदमी है। ही हैज़ अ वाइट डॉग, अब उसके पास कुत्ता है, ऐसा बोलने के बजाय अपन ने उसको और खुल के बताया कि वो कुत्ता तो है पर वो सफ़ेद कुत्ता है। तो यहाँ सफ़ेद क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। बाली हैज़ न्यू शूज़, बाली के पास नए जूते हैं, अब वो कौन से हैं, नए जूते हैं। तो ऐसे करके अपन ने एडजेक्टिव सीखा। अब देखिए, इस पर एक्टिविटी दी है, वो करते हैं अंडरलाइन द एडजेक्टिव। अब अपने को उन्हें अंडरलाइन करके दिया था एक में, अब अपने को करना है। अ हैप्पी बॉय, बॉय कैसा है, खुश है, तो हैप्पी एडजेक्टिव हो गया। अ लवली गर्ल, एक प्यारी लड़की, तो लवली एडजेक्टिव हो गया। अ बिग एलिफेंट, एक बड़ा हाथी, तो बड़ा एडजेक्टिव हो गया। अ ब्यूटिफुल रोज, तो ब्यूटिफुल एडजेक्टिव हो गया। एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी, तो ऑनेस्ट हो गया अपना एडजेक्टिव। अ वाइल्ड एनिमल, मतलब जंगली जानवर, वाइल्ड हो गया। अ स्मॉल माउस, एक छोटा चूहा, तो स्मॉल एडजेक्टिव हो गया। एन ओल्ड बिल्डिंग, मतलब एक पुरानी बिल्डिंग है, तो ओल्ड हो गया एडजेक्टिव। अ लार्ज सिटी, एक बड़ी सिटी है, तो लार्ज एडजेक्टिव हो गया। अ क्लेवर बॉय, एक चतुर लड़का, तो चतुर एडजेक्टिव हो गया। मतलब अपन ने क्या करा है, जो भी अपने को नाउन दिया है, यानी किसी का नाम दिया है, किसी के बारे में बोला है, उसको अपन ने और खुल के बताया कि ये कैसा है, इसका नेचर वगैरह, तो उसी को अपन एडजेक्टिव करके रिप्रेजेंट करते हैं। आइए बाकी देखते हैं क्या बोला है। एनसर्कल द एडजेक्टिव एंड राइट, इनने बोला है कि इस पर जो कुछ भी एडजेक्टिव दिया है आप उस पर गोला बनाएं और फिर उसको साइड में लिख दें। तो पहला उनने करके दिखाया है, अकबर वॉज अ वाइस किंग, अकबर एक बहुत ही बुद्धिमान, मतलब अकबर एक बुद्धिमान राजा था। तो वाइस का अपन ने पहले गोला लगा के दिया है और फिर लिख दिया, तो वही अपन ने इधर किया है सारा। पहला है, लंदन इज़ अ बिग बिजी सिटी, एक व्यस्त शहर है, तो सिटी है तो कैसा है, वो व्यस्त है, तो बिजी को अपन ने इधर लिख दिया। सोल्जर्स आर ब्रेव, सैनिक ताकतवर है, तो ब्रेव इधर आ गया। ही हैज़ अ येलो कार, उसके पास एक पीली कार है, तो पीला एडजेक्टिव आ गया। लायंस आर स्ट्रांग, शेर ताकतवर होते हैं, तो इसको अपन ने स्ट्रांग को लिख दिया। दिस नाइफ इज शार्प, यह चाकू नुकीला है, तो नुकीला है तो उसका शार्प का अपन ने इधर लिख दिया। रोजेज आर रेड, गुलाब लाल है, तो लाल उसकी खासियत है, तो लाल को लिख दिया। गुड बॉय स्पीक द ट्रूथ, तो अच्छे लड़कों की क्या खासियत होती है कि वो सच बोलते हैं, तो ट्रूथ एडजेक्टिव हो गया। ऐसे करके अपनी सेकेंड एक्टिविटी भी हो गई। चूज द एडजेक्टिव एंड कम्प्लीट द सेंटेंसेस, अब यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स दे रखे हैं, इंटेलिजेंट, फेमस, फेथफुल, बैड और गुड। इन सब जो एडजेक्टिव्स दिए हैं इनके पहले आप मतलब समझिए, फिर मैं आपको सेंटेंस का मतलब बताती हूँ, फिर आप खुद इतने समर्थ हो जाएंगे कि आप खुद भर पाएंगे। इंटेलिजेंट यानी होता है होशियार, फेमस यानी जिसकी ख्याति हो, मतलब फेमस तो जनरली यूज़ करते हैं तो ख्याति इसको हिंदी में कहते हैं। फेथफुल यानी जो विश्वास पात्र हो, जिस पर अपन विश्वास कर सकते हैं, भरोसेमंद। बैड यानी बुरा और गुड यानी तो अच्छा। तो अब आप क्या करना है कि सही जो है कहाँ पर कहाँ फिट होना चाहिए उसे लगाना है। पहला इन्हें दिया है, तो ताज इज़ वन ऑफ द मोस्ट डैश मॉन्यूमेंट, तो जो ताजमहल है, ताजमहल की बात की जा रही है, यह एक बहुत ही डैश मॉन्यूमेंट है यानी इमारत है, तो क्या होगी ये, बहुत फेमस है ना,
तो फेमस है, अच्छी बुरी क्या बोले इसमें, फेमस है वो, ऑब्वियसली अच्छी है पर फेमस भी है, ये ज़्यादा सही है यहाँ पर। इट्स अ डैश टू मेक फन ऑफ अदर्स, यह बताइए आप ही, दूसरों का मजाक उड़ाना अच्छी बात है या बुरी बात है? ऑब्वियसली बुरी बात है, तो इनने वही बोला है कि क्या है वो, बुरी बात है तो अपन ने बैड लिख दिया। अर्ली राइजिंग इज़ अ डैश हैबिट, सुबह जल्दी उठना कैसी आदत है, अच्छी आदत है या बुरी आदत है? अच्छी आदत है तो अपन ने यहाँ गुड लिख दिया। रानी इज़ एन डैश गर्ल, रानी एक लड़की है, कैसी लड़की है वो, भरोसेमंद, तो ऑब्वियसली अपन कुछ कह नहीं सकते, मतलब क्योंकि यहाँ पे अपने को पांच ही शब्द ही उन्हें लगाना है, तो इंटेलिजेंट लगाया अपने, वो होशियार लड़की है। द डॉग इज़ अ डॉग, तो सब जानते हैं उसकी खासियत कि वो बहुत भरोसे के लायक होता है, तो डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। अब अपने से बोला है गिव द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव, अब जैसे बड़ा का छोटा होता है, चौड़े का सकना, और ऐसे करके मतलब जिनको अपन अपोजिट बोलते हैं ना, काला गोरा, तो यही अपने को यहाँ पर फिल करना है, उनका अपोजिट यानी विलोम शब्द बताना है। तो पहला अपने को बोला है ब्राइट, ब्राइट यानी चमकदार, तो चमकदार का अपोजिट क्या होगा, अंधेरा, तो डार्क लिख दिया अपन ने। फिर दूसरा है लॉन्ग, लॉन्ग यानी लंबा, और शॉर्ट यानी छोटा, भी आप क्वेश्चन आंसर्स करते हो तब भी आपको पता है कि लॉन्ग आंसर लिखो शॉर्ट आंसर लिखो, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। फिर ऑनेस्ट यानी होता है ईमानदार, तो ईमानदार का अपोजिट होता है बेईमान, तो इसमें अपन ने बस डिस लगा दिया और ऑनेस्ट लिख दिया, तो ये डिसऑनेस्ट हो गया। फैट यानी मोटा, थिन यानी पतला, वाइड यानी चौड़ा, नैरो यानी सकना, और हॉट यानी गर्म, और कोल्ड यानी ठंडा। ऐसे करके अपनी ये एक्टिविटी 3 पूरी कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।